तो सबसे पहले हम जो ट्रेडिशनल मैरिज लाइंस हैं इनको लाइंस ऑफ यूनियन, प्रणय रेखाएं, विवाह रेखाएं, संबंध रेखाएं, लव लाइंस भी कहते हैं। तो ये सब इनके नाम हैं। तो मैरिज लाइन पहली बात तो होती कहाँ है? मैरिज लाइन लिटिल फिंगर के नीचे, छोटी उंगली जहाँ खत्म हो जाती है, लिटिल फिंगर जहाँ खत्म हो गई, और ये हार्ट लाइन, इसके बीच में बाहर से अंदर की ओर आती हैं, परकशन से अंदर की ओर आती हैं। ओके, ये होती है मैरिज लाइंस। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि मैरिज देखनी है तो यहाँ से देखनी चाहिए, जबकि यहाँ से केवल आदमी की शादी के मामले में लक कैसी होगी, वो इस मामले में लकी है अनलक्की है, वो देखा जाता है। ओके, यहाँ से ना तो मैरिज की टाइमिंग हो पाती है ढंग से, तो टाइमिंग कहाँ से करेंगे? लाइफ लाइन से और फेट लाइन से। छोटी उंगली जहाँ खत्म हो गई, लिटिल फिंगर कनिष्ठिका जहाँ खत्म हो गई, और ये हार्ट लाइन है, तो हार्ट लाइन से ऊपर, तो बाहर से अंदर की ओर, ये बाहर है ये अंदर है, बाहर से अंदर की ओर जो रेखा आ रही होती है उनको कहते हैं मैरिज लाइन्स। इसी में आठ वेरिएशन दिखा रखी हैं। ये देखिए, ए ए जो है ए की लाइन है, और ये हार्ट लाइन के हृदय रेखा के लगभग लगभग पैरेलल है। तो ये कहता है आइडियल मैरिज एंड ए हैप्पी लाइफ, तो आदर्श विवाह है एक ही व्यक्ति से विवाह। तो ये राइट हैंड में अगर है केवल, तो राइट हैंड में होता है आप किसी से प्रेम करते हैं, ये आपका ओरिएंटेशन दूसरे की तरफ, और लेफ्ट हैंड में है तो दूसरे का ओरिएंटेशन आपकी तरफ, और अगर दोनों हाथों में है तो इसका मतलब है लव इज गिवन एंड लव इज रिसीव्ड, तो आप भी किसी से प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करता है, तो ये फिर हुई आइडियल मैरिज। तो ए क्या है? ए है आइडियल मैरिज एंड ए हैप्पी मैरिड लाइफ, आदर्श विवाह और खुशगवार वैवाहिक जीवन। अब आइए बी, बी में अब दो है, देखिए दो पैरेलल लाइन है। ओके, और बाहर से अंदर की ओर आ रही है वही, तो दो मैरिजेस, दो विवाह हो सकते हैं, और 90% केसेस में ऐसे व्यक्ति दो विवाह कर लेते हैं। तो इसके लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन थोड़ा मैं बता दूं, कोई जरूरी नहीं है किसी देश में अब दो विवाह अलाउड नहीं है, एक ही विवाह अलाउड है, तो उसका दूसरा संबंध हो सकता है, अफेयर हो सकता है, शादी से पहले हो सकता है, शादी के बाद। ओके, या ये हो सकता है कि अगर ट्रेडिशनल हाथ है, मतलब अर्थ हैंड या स्क्वायर हैंड है, तो उसका एक ही व्यक्ति से संबंध है, और वही दूसरे टाइम पे फिर बहुत ज्यादा उसी व्यक्ति से गहरा प्रेम, इसका ये भी मतलब हो सकता है। कई सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं, आदमी ने किसी ने डिवोर्स ले लिया, फिर उसी से जिससे डिवोर्स लिया था दोबारा शादी कर ली। तो कोई जरूरी नहीं है दोबारा शादी करना, लेकिन बहुत गहरा प्रेम है, फिर वो कूल ऑफ हो गया, फिर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उसी से बहुत गहरा दोबारा से प्रेम है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है। ओके, फिर आइए सी। सी साइन है, सी में आप देखिए बाहर से रेखा एक अंदर आई और फिर दो पार्ट में बट गई, तो ये है सेपरेशन का साइन, सेपरेटिंग, सेपरेशन ऑफ वेज, रास्ते अलग अलग होना। तो ये लीगल डिवोर्स भी हो सकता है, अदरवाइज मन मुटाव होना या अपने अलग अलग रास्ते चुनना, ये मतलब भी हो सकता है। तो ये ऐसा संबंध है जिसमें पहले बहुत गहरा था लेकिन बाद में उनके रास्ते अलग अलग हो गए। डी में देखिए, डी में फिर तीन वेरिएशन दे रखी है। ये लाइन क्या है? हार्ट लाइन की तरफ गिर रही है नीचे, ये जो मैरिज लाइन है। ए में क्या है? नीचे की तरफ आ रही है, तो ये प्रॉब्लम है, डिमिनिश्ड अफेक्शन, प्रेम जो है कम हो गया, और जब ये आके मिल जाएगी हार्ट लाइन में तो फिर सीरियस प्रॉब्लम है, और सी में इसमें आइलैंड भी है तो और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। तो डी में इसने तीन वेरिएशन बता रखी हैं, तो ये कई बार सेपरेशन का साइन होता है, कोई जरूरी नहीं है लीगल सेपरेशन टाइप, के पार्टनर को फिजिकल प्रॉब्लम है, ओके, या डेथ भी हो जाती है कई मामलों में पार्टनर की, उस वजह से भी हो सकता है ये, जिस तरह अब यहाँ ये आइलैंड में। ओके, तो ये तीन वेरिएशन थी, अब आगे डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे चार साइन और बता रखे हैं। ई, ई में फिर दो वेरिएशन है,
ये बताता है इट डिपेंड्स ए लवर। तो ई में आप देखें, ये जो लाइन है ये मैरिज लाइन है, ये मेजर जो लाइन है ये है मैरिज लाइन। इसके बाद ये छोटी सी लाइन है, ये नीचे वाली लें, अगर बी वेरिएशन में लें, एक मेन जो मैरिज लाइन है, फिर इसके एंड में नीचे लाइन शुरू हो रही है, और ए में मैरिज लाइन के एंड में ऊपर की तरफ लाइन शुरू हो रही है, शॉर्ट पैरेलल लाइन एट द टिप ऑफ द मैरिज लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लवर, कोई प्रेमी है। तो अगर ये ऊपर है लाइन लास्ट में, तो शादी के बाद अपियरेंस ऑफ ए लवर, शादी के बाद में कोई प्रेमी का होना, मतलब नया प्रेम शुरू हुआ है। और बी में क्या है, ये नीचे लाइन है, नीचे लाइन है पहले है और ऊपर मैरिज लाइन बाद में है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लव अफेयर आफ्टर मैरिज। तो शादी से पहले ही लव अफेयर था और वो शादी के बाद भी चल रहा है। ओके, तो ये दो तरह की वेरिएशन है यहाँ पर। फिर एफ में देखो आप, मैरिज लाइन जो है उनमें वर्टिकल लाइन भी है, यहाँ क्रिस क्रॉसिंग लाइन है, जाली सी बन गई है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन थी मैरिज लाइन, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है बिकॉज ऑफ द वर्टिकल लाइंस। तो ये हैपजार्ड पैटर्न है। अब यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन क्लियर नहीं है, इसका मतलब है आदमी शादी करने के मामले में अभी इतना श्योर सर्टन नहीं है, दो चित्ती में है। ओके, तो अभी ये कह सकते हो आप, स्ट्रांग डिजायर नहीं है मैरिज की। तो जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन स्ट्रांग होंगी या वर्टिकल लाइन इसमें खत्म हो जाएंगी, तो वो शादी का इच्छुक हो जाता है, उसका माइंड सेट बन जाता है कि हाँ अब शादी करनी है। ओके, फिर आइए जी। जी में क्या है, ये जो नीचे लाइन है हार्ट लाइन, इसके पैरेलल ना होके थोड़ी पैरेलल आई फिर ऊपर उठ गई। तो इसमें ज्यादातर आप देखेंगे ऑथर वो ये कहते हैं कि ऐसा आदमी शादी नहीं करेगा, लेकिन ये जैपनीज ऑथर ये कहता है ऐसा आदमी, उसकी शादी होगी अपनी आइडियल से भी बहुत बढ़ के, मतलब जो उसने सपने संजो रखे थे शादी के मामले में, उसको पार्टनर उन सपनों से भी बढ़ के मिलेगा। तो ये इसका ओरिएंटेशन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत आशावादी है। तो ये कहता है बहुत बढ़िया साइन है शादी के लिए। फिर आइए एच में दिखा रखा है, जो मैरिज लाइन आई वो आके सन लाइन में मिल गई। ओके, मैरिज लाइन आके सन लाइन में मिल गई है, तो इसका मतलब है विवाह से बहुत खुशियां मिलेगी। सन लाइन को हम लाइन ऑफ फुलफिलमेंट या लाइन ऑफ रिचीज, लाइन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं, या लाइन ऑफ आर्टिस्टिक सेंस भी कहते हैं, यश सम्मान भी इसे देखते हैं। तो इसका मतलब विवाह से ये सब चीजें जुड़ गई, विवाह से उस व्यक्ति को बहुत खुशियां मिलेगी और उसका प्रबल भाग्य होगा, भाग्य चमक जाएगा। क्योंकि सूर्य रेखा क्या है, सूर्य रेखा से हम देखते हैं धन दौलत, सक्सेस, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह। तो ये ट्रेडिशनल मैरिज लाइंस थी, केवल मैरिज लाइन से मैरिज नहीं देखी जाती, मैरिज के बारे में थोड़ी बहुत बातें इन जनरल जान लें। मैरिज एक बहुत गहरा कमिटमेंट है, एक बल्कि कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, आप देखो विदेशों में, यूरोप वगैरह में, हमारे इंडिया में भी अब कम नहीं है, लोग बहुत से लोग शादी करने से हिचकिचा रहे हैं, उसके बदले वो लिव इन में रह रहे हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन शादी करने से घबराते हैं लोग। तो शादी कोई कर रहा है तो इसका मतलब बहुत गहरे से वो तैयार होना चाहिए विवाह के लिए, कमिटमेंट के लिए। ओके, तो हाथ में उसके साइन फिर स्पेशल होंगे। एक साइन है मान लो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, इच्छा पूर्ति, इच्छाएं बहुत हो सकती है, हजारों तरह की इच्छाएं हो सकती हैं उस वक्त में, नौकरी की इच्छा है, बिजनेस की इच्छा है, प्रमोशन की इच्छा है, ट्रेवल करने की इच्छा है, तो ये सब भी हो सकती हैं, और वही साइन शादी का भी हो सकता है। तो इसलिए शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए क्या जरूरी है कि मैं यहाँ भी 9 साइन बताने वाला हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइन शादी के, जो कि मैरिज लाइन से नहीं देखेंगे हम, और जगह से देखेंगे हाथ में। तो उन 9 में से 3 साइन होने जरूरी हैं, कोई भी 3, तब हम उसको कहेंगे हाँ ये शादी के साइन है, तो इस वक्त में शादी हो जाएगी। पहले
प्रेम करना अलग बात है, प्रेम में इतनी कमिटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन विवाह के लिए अब 9 में से 3 साइन हो तब हम कहेंगे हाँ पक्का पक्का ये विवाह के साइन है।